अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, अगर YouTube, Facebook चैनल चलाते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया और 5 लाख तक का है विज्ञापन वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देने की तैयारी कर ली है। इसके लिए पूरी गाइडलाइन बन चुकी है और एक पॉलिसी है वो बना दी गई है। तो आज इस वीडियो में तमाम उन पहलुओं पे बात करेंगे, किन लोगों को कितनी राशि मिलेगी, 5 लाख तक की राशि है किन को मिलेगी, कितने फॉलोअर होने चाहिए, कितनी रीच होनी चाहिए, कौन सी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए ये पूरी जो पॉलिसी बनी है उस पर तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। जी हाँ, आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव है 2023 में, उसको लेकर सरकार ने एक कदम उठाया। राजस्थान सरकार संभवतः भारत की पहली ऐसी प्रदेश सरकार है जिसने सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर है उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है और अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेती नजर आ रही है। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए, उनको विज्ञापन देने के लिए 4 कैटेगरी में विभाजित किया है, कितनी कितनी उनकी फॉलोअर या सब्सक्राइबर की संख्या होनी चाहिए, आपको विज्ञापन कैसे मिलेगा, कितनी राशि मिलेगी, कितने फॉलोअर होने पे कितनी राशि मिलेगी, आपके वीडियो के व्यू कितने आने चाहिए, तमाम उन पहलुओं पे हम बात करेंगे। उसको लेकर जनसंपर्क सूचना विभाग राजस्थान सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। DPR ने जो अपना है एक पॉलिसी बना दी गई है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए, उसकी जो कॉपी है मेरे पास है उसमें तमाम जो भी गाइडलाइन बनेगी वो आपके साथ स्टेप बाय स्टेप हम आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, अगर यूट्यूब चैनल चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, इन तमाम लोगों को है बड़ी सौगात मिलने जा रही है। तो इसमें राजस्थान सरकार की तरफ से 4 कैटेगरी में डिसाइड किया है, जो विज्ञापन देने की जो दरें हैं वो निर्धारित की है, उसमें 4 कैटेगरी बनाई गई है, ABCD, 4 तरह की कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें एक कैटेगरी की श्रेणी है उसमें 10 लाख सब्सक्राइबर या फॉलोअर होने चाहिए। YouTube पे हैं तो 10 लाख सब्सक्राइबर होने चाहिए और Facebook है तो 10 लाख फॉलोअर होने चाहिए, और B कैटेगरी में 5 लाख सब्सक्राइबर या 5 लाख फॉलोअर, और C कैटेगरी में 1 लाख फॉलोअर या 1 लाख सब्सक्राइबर, और डी कैटेगरी उसमें 10,000 फॉलोअर या सब्सक्राइबर। तो आपके फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पे 10,000 फॉलोअर या सब्सक्राइबर हैं तो भी आपको राजस्थान सरकार की तरफ से एड मिलेगा और उसकी राशि है पर मंथ आपके खाते में मिलने वाली है। तो ये कैसे मिलेगी तमाम जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप इसमें आगे देख पा रहे हैं कि किस प्रकार की कैटेगरी रखी है और ए श्रेणी में इन्फ्लुएंसर है उनके लिए क्या गाइडलाइन है, उनको ही जो विज्ञापन दिया जाएगा। तो ए श्रेणी में जो लोग इन्फ्लुएंसर है उनके लिए जो आवेदन करेंगे उनकी जो क्राइटेरिया होते हैं किया है कि पिछले 6 महीने में सोशल मीडिया हैंडल पेज चैनल पर प्रति माह न्यूनतम 100 वीडियो या 150 पोस्ट की जानी चाहिए। पिछले 6 महीनों का जो आपका एनालिस्टिक स्कोर देखेंगे उसमें 100 तो वीडियो होने चाहिए और 150 पोस्ट आपकी प्रति माह है वो अपलोड होनी चाहिए। ये ए कैटेगरी के लिए। बी कैटेगरी के लिए जो है इनकी क्राइटेरिया वो रखा है, जो भी आपका हैंडल है, पेज है या चैनल है उस पर 60 वीडियो या 100 पोस्ट होना अनिवार्य है, तभी आप उसमें योग्य साबित होंगे। और अब बात करते हैं सी कैटेगरी, जिसमें 1 लाख सब्सक्राइबर 1 लाख फॉलोअर होने चाहिए। उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो 30 वीडियो या 50 पोस्ट प्रति माह आपके चैनल पे पोस्ट होनी अनिवार्य है। और डी कैटेगरी के लिए जो है गाइडलाइन वो है 15 वीडियो या 30 पोस्ट प्रति माह, पिछले 6 महीने के एनालिस्टिक स्कोर में आपके ये आना बहुत जरूरी है। इन लोगों को इस कैटेगरी में रखा गया है, उनमें किस प्रकार के लोगों को कैसे पैसे मिलेंगे, क्या क्या है उनका दायरा है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, तमाम इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसमें ए ग्रेड में जो ए ग्रेड श्रेणी में आते हैं जिनके 10 लाख फॉलोअर या 10 लाख सब्सक्राइबर उनको कितने राशि मिलेगी, तो आप इसमें ए श्रेणी में आने वाले सोशल मीडिया पेज हैंडल चैनल की अधिकतम जो है राशि प्रति माह 5 लाख रुपए तक का विज्ञापन दिया जा सकेगा। बी श्रेणी में आते हैं जिसमें 5 लाख फॉलोअर या 5 लाख सब्सक्राइबर हो उनको 2 लाख रुपए तक अधिकतम प्रति माह है विज्ञापन दिया जा सकता है। अब बात करते हैं सी कैटेगरी, सी कैटेगरी जिसमें 1 लाख सब्सक्राइबर या 1 लाख फॉलोअर होने चाहिए उनमें प्रति माह 50,000 रुपए तक का विज्ञापन दिया जा सकेगा। और डी कैटेगरी बात करते हैं जिसमें 10,000 सब्सक्राइबर या 10,000 फॉलोअर है तो उनको है प्रति माह 10,000 रुपए विज्ञापन दिया जा सकता है। ये तो हो गया उनकी कैटेगरी वाइज जो कितनी राशि दी जाएगी। अब बात करेंगे कि राशि कैसे आएगी, किस प्रकार से भुगतान होगा। तो इसमें एक क्राइटेरिया और भी रखा है, राज्य सरकार द्वारा जो एक कमेटी है वो आयोजित की विभागीय समिति की अनुशंसा पर अपने क्षेत्र में जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति है जो सोशल मीडिया पेज या हैंडल चलाता है उसमें बिना किसी कैटेगरी को ध्यान में देखते हुए उनकी जो व्यूअरशिप है, उनकी रीच है, उसके आधार पर भी वो अधिकतम राशि और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, मतलब 5 साल से ज्यादा भी दे सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं किस प्रकार से इसको विज्ञापन दिया जाएगा। माह के लिए विज्ञापन जारी करेंगे, मतलब 1 महीने का आपको पहले विज्ञापन दे देंगे, उसका पेमेंट होने में अगले महीने एक बार फिर आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, अगली बार और करेंगे। और दूसरा है भुगतान से पूर्व ये सुनिश्चित किया जाएगा कि दिए गए विज्ञापन
कि जो आपने विज्ञापन दिया है आपके पेज पे कितने फॉलोअर हैं उसका 5% व्यू या रीच आनी चाहिए। मान लीजिए आपके 1,00,000 फॉलोअर या 1,00,000 सब्सक्राइबर है, तो 1,00,000 का 5% हो गया 5,000, तो व्यू आने चाहिए या 5,000 लोगों तक रीच उसकी होनी चाहिए, तभी है वो योग्य होंगे, उसका पेमेंट होगा। ये इस प्रकार की गाइडलाइन जारी की है। और तीसरा है सोशल मीडिया हैंडल पेज चैनल स्वामी द्वारा विज्ञापन में देख के साथ सोशल मीडिया एनालिस्ट की रिपोर्ट इस आशय शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उनके सोशल मीडिया प्लान पर प्रदर्शित किया गया है। इसमें प्रतिमा जो भी आप अपनी तरफ से बिल है सरकार को भेजेंगे तो उसमें आपको एनालिस्टिक जो है उसका स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट है साथ में भेजना पड़ेगा आपको कि हमने ये वीडियो या रील जो भी पोस्ट है वो हमने लगाई है अपने चैनल पे, इसका प्रमाणित करके भेजना पड़ेगा, उसके बाद ही पेमेंट होगा। और अब है केंद्र या राज्य सरकार में पंजीकृत कंपनी या फर्म के स्वामित्व या संचालन अथवा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के हैंडल पेज को विज्ञापन जारी किए जाएंगे। मतलब राजस्थान सरकार या भारत सरकार से जो भी अधिकृत चैनल दूसरे भी हैं, अगर पंजीकृत कंपनी या फर्म है जो विज्ञापन का काम करती है, उनको भी इस प्रकार के विज्ञापन दिए जाएंगे। सोशल मीडिया हैंडल एंड पेज को नियमित रूप से अपडेट किया जाना अनिवार्य होगा। यूं नहीं कि अपन एक पेज वीडियो उनका सरकार की तरफ से विज्ञापन दिया वो लगा के छोड़ते, अपना रोज रूटीन का वीडियो वो भी आपको लगातार लगाए रखना पड़ेगा, पेज पे अपलोड करना पड़ेगा। और इस प्रकार से किन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, इसमें राजस्थान की कला संस्कृति विकास संबंधी जो समाचार के कंटेंट है वो डाले जा रहे हैं, उनको प्राथमिकता के रूप में राजस्थान सरकार के सोशल मीडिया हैंडल पेज विज्ञापन दृष्टि में प्राथमिकता दी जाएगी। वो जो पेज या चैनल है जिस पे राजस्थान की संस्कृति कला या जो भी राजस्थान सरकार से जुड़ी योजनाओं इस तरह की न्यूज वगैरह दिलाते हैं जो राजस्थान से संबंध रखते हैं, उनको सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी इन सारी कैटेगरी के अंदर। सोशल मीडिया हैंडल पेज चैनल कम से कम 1 वर्ष से संचालित होना, आपका चैनल या पेज है पिछले 1 साल से कंटिन्यू एक्टिव होना चाहिए, उस पर अपडेट हमेशा होनी चाहिए, तभी आप योग्य होंगे। और दूसरी इसमें यह डाला है कि विज्ञापन हेतु आवेदन के समय पिछले 6 महीने की सोशल मीडिया एनालिटिक्स रिपोर्ट है प्रस्तुत करनी होगी। पिछले 6 माह में सोशल मीडिया हैंडल पेज चैनल पर अपनी आवेदित कैटेगरी का औसत 50% सब्सक्राइबर या फॉलोअर अनिवार्य है। जिस प्रकार से आप पिछले 6 महीने का आपका किस प्रकार एनालिसिस, कितने फॉलोअर बढ़े हैं, कितनी रीच है, उसका है आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा जिस समय आप आवेदन करेंगे। वीडियो के रील के किस प्रकार से है वो आपको राशि तय की उस पर पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले विभाग द्वारा विज्ञापन जारी किए जाने के लिए निम्न प्रकार जो दरें हैं वो तय की गई है। यूट्यूबर के लिए है कैटेगरी 1A में जो लखे हैं जिसमें 10,00,000 फॉलोअर या 10,00,000 सब्सक्राइबर है, उनके लिए एक वीडियो पर 1 माह के लिए थंबनेल बनाना, कोई भी आपका रूटीन वीडियो बना रहे हो उसमें 1 महीने के लिए अगर थंबनेल सरकार की जो योजनाओं का थंबनेल है वो बना के रखोगे तो 10,000 रुपये प्रति माह उसका मिलेगा। जारी वीडियो विज्ञापन में अपने किसी एक वीडियो में जोड़ना 10,000 रुपये, आप अगर रूटीन वीडियो चढ़ा रहे हैं उसमें सरकार की तरफ से जो विज्ञापन का वीडियो आपको योजनाओं का दिया है वो वीडियो अंदर लगाओगे तो उसका 10,000 रुपये मिलेगा। एक वीडियो पर एल बैंड जो एल से में आप एड लगाते हैं वो लगाएंगे तो उसका 10,000 रुपये है। 1 माह के लिए जो अपना चैनल है उसका कवर पेज बनाएंगे तो उसका 20,000 रुपये आपको ए कैटेगरी के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं बी कैटेगरी जिसमें 5,00,000 फॉलोअर या 5,00,000 सब्सक्राइबर है, तो उसके लिए एक वीडियो पर 1 माह के लिए थंबनेल बनाएंगे तो 5,000 रुपये, जारी वीडियो में अगर वीडियो के अंदर जो एड है वो जो जोड़ेंगे 5,000 रुपये, और एक वीडियो में एल बैंड अगर एल से में विज्ञापन लगाएंगे तो उसका है 5,000 रुपये, और 1 माह के लिए चैनल कवर बनाएंगे तो उसका है 10,000 रुपये। अब बात कर लें सी कैटेगरी जिसमें 1,00,000 फॉलोअर या 1,00,000 सब्सक्राइबर हो, उनके लिए एक वीडियो में 1 माह के लिए थंबनेल बनाएंगे तो उसका 3,000 रुपये है, और जारी किए वीडियो में जो सरकार का दिया हुआ एड है उसको आप वीडियो के अंदर जोड़ेंगे 3,000 रुपये उसके हैं। 1 माह एल बैंड आप लगाएंगे तो उसका आपके 3,000 रुपये है एक वीडियो पर लगाएंगे तो, और 1 माह के लिए चैनल का जो पेज जो अपना कवर पेज होता है वो लगा के रखेंगे तो उसका 5,000 रुपये है। और अब बात करते हैं डी कैटेगरी जिसमें 10,000 फॉलोअर 10,000 सब्सक्राइबर हैं, उसके लिए रखा है एक वीडियो का 1,000 रुपये, एल बैंड का भी 1,000, और 1 माह के लिए चैनल का कवर पेज बना के रखेंगे तो उसका है 3,000 रुपये। और अब बात कर लेते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम की, कैटेगरी ए के लिए एक रील जिसकी न्यूनतम जो समय सीमा 10 सेकेंड की रहेगी, उसमें जो ए कैटेगरी वाले हैं उनको 10,000 रुपये, एक पोस्ट जिसमें वीडियो भी हो सकता है फोटो भी हो सकती है उसका भी 10,000 रुपये है, और कैटेगरी बी के लिए एक रील जिसकी सेकंड और 5,000 रुपये है उसका, और एक पोस्ट जिसमें 3 फोटो या वीडियो हो उसका भी आपको 5,000 रुपये। अब बात करते हैं सी कैटेगरी जो इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए, उनका एक रील के लिए है सी कैटेगरी 3,000 रुपये, और एक पोस्ट का लिए भी आपको 3,000 रुपये मिलेंगे। और अब बात करते हैं डी कैटेगरी, एक रील जिसकी न्यूनतम समय सीमा 10 सेकंड है उसका 1,000 रुपये, और एक पोस्ट या जिसमें फोटो या वीडियो भी हो सकता है उसका भी 1,000 रुपये मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं ट्विटर की जिसमें एक कैटेगरी जिसमें 10,00,000 से ज्यादा उसके फॉलोअर हैं, उनमें 10,000 रुपये एक ट्वीट का,
एक वीडियो भी हो सकता है, कोई पोस्ट भी हो सकता है, उसका 10,000 रुपए, और ए बी कैटेगरी के लिए एक पोस्ट और वीडियो के लिए 5,000 रुपए, और सी कैटेगरी के लिए एक पोस्ट और एक वीडियो ट्यूटर के लिए 3,000 रुपए, डी कैटेगरी वालों के 1,000 रुपए वीडियो या एक पोस्ट के। अब बात करते हैं कि इसकी आवेदन जिस प्रकार से पिछले करीब 4-5 महीने से जो भी आपका पीआरओ ऑफिस होता है, जिला सूचना प्रसारण का ऑफिस होता है जिसमें पीआरओ बोलते हैं, उसकी तरफ से जो अपने जिले के प्रतिष्ठित जिस प्रकार के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनकी रिपोर्ट भी भिजवाई जा रही है, और इसके लिए अलग से गाइडलाइन आएगी किस प्रकार से उसका आवेदन ऑनलाइन का भी लिंक आता है या किस प्रकार से होता है, वो उसकी अपडेट आएगी, हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से डीपीआर के पास जिला स्तर से भिजवाए गए हैं काफी लोगों के, और अब नए सिरे से किस प्रकार से चलते हैं इसको लेकर अभी तक कोई खुलासा हुआ नहीं, इस पर ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, जब भी आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से विज्ञापन का भुगतान करने के लिए क्या क्या आप में योग्यता होनी चाहिए। भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जारी किए गए विज्ञापन पर कुल फॉलोअर या सब्सक्राइबर का 5%, मैंने बताया था 1,00,000 में 5,000 व्यू होने चाहिए, अगर 1,00,000 फॉलोअर या सब्सक्राइबर है तो 5,000 व्यू या 5,000 तक लोगों तक रीच होनी चाहिए। जिस सोशल मीडिया हैंडल पेज या चैनल को विज्ञापन जारी किया जाए उसके अकाउंट का कंटेंट अभद्र अश्लील या राष्ट्र विरोधी कंटेंट तो नहीं डाले जा रहे हैं, अगर इस तरह का होगा तो भी उनको कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, उनको विज्ञापन के पैसे भी नहीं दिए जाएंगे। यदि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय है उन्हें अलग अलग मानते हुए संबंधित दर के अनुरूप, अगर आप एक ही व्यक्ति है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे हैं तो आप जितने भी प्लेटफॉर्म चला रहे हैं जो इसमें योग्यता में आते हैं तो आपको अलग अलग तरीके भी विज्ञापन मिल सकेंगे। और अब बात कर लेते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के विरुद्ध कोई भी आपराधिक मामला है वो दर्ज नहीं होना चाहिए, इसके लिए जो है शपथ पत्र आपसे लिया जाएगा। यदि सोशल मीडिया हैंडल पेज चैनल स्वयं कंटेंट तैयार करेगा, आप कह रहे हैं सरकार की योजनाओं का हम कंटेंट तैयार करें, तो उसके लिए आपको सूचना जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार से कंटेंट वो अप्रूव कराना पड़ेगा। यदि आवेदन करने वाले सोशल मीडिया हैंडल पेज या चैनल के जो संचालन करता है उसको एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि प्रस्तुत की गई जानकारी सही है, यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी झूठी या गलत पाई जाती है तो विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा और कानूनी रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। ये होगी गाइडलाइन। और तीसरा हो गया सोशल मीडिया हैंडल पेज चैनल के स्वामी द्वारा विज्ञापन देख के साथ सोशल मीडिया एनालिस्ट की रिपोर्ट, मैं इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि उनके द्वारा सोशल मीडिया पेज पे जो सामग्री सरकार द्वारा उपलब्ध की उसको प्रदर्शित या प्रसारित किया गया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उपलब्ध तकनीकी संसाधनों एनालिस्टिक टूल तथा अन्य किसी माध्यम से सब्सक्राइब संबंधी रिपोर्ट की पुष्टि कर सकेगा, इसके लिए आवश्यक पड़ने पर तकनीकी मानव संसाधन की सहायता भी ली जा सकेगी। तो आज का ये वीडियो उन सारे इन्फ्लुएंसर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो 10,000 से ज्यादा फॉलोअर लेकर बैठे हैं और पेज पे लंबे समय से चैनल पे काम कर रहे हैं, तो उनको सरकार की तरफ से है वो एड दिया जाएगा। और जिस प्रकार से कैटेगरी डिसाइड की गई है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव है, जो भी कर फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर अपना कंटेंट बनाते हैं और इस कैटेगरी में आते हैं तो उन लोगों तक भी ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए ताकि इसका फायदा है सबको मिलना चाहिए। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय जवान जय किसान।